सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये त्यौहार किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है कि फसल कट के खेत से घर में आनी और बाज़ार में जानी शुरू होती है, तो मेरे लिए शुभकामनाएं कि ये फेस्टिवल बहुत खुशी और उल्लास के साथ देश और दुनिया के अंदर मनाया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्कूल जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़ते थे बचपन में, तो उस स्कूल का एक अखबार में उन्होंने फोटो डाली थी कि हम बचपन के स्कूल में गए और पुरानी यादें ताज़ा की। उस स्कूल की फोटोग्राफ डालते हुए हमने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी अगर स्कूल सुधार के बच्चों के बीच के अंदर जाते तो और अच्छा बच्चों को लगता कि उस स्कूल की क्या बदहाली हुई हुई है। ऐसे के अंदर मुख्यमंत्री जाके क्या संदेश उन बच्चों को देना चाहते थे। इस रिएक्शन पे बीजेपी के ट्विटर हैंडल से हमें ब्लॉक कर दिया गया और आम आदमी पार्टी को उससे ब्लॉक कर दिया गया। तो हमने फिर इनको कहा कि अगर बीजेपी स्कूल और को दिखाने के अंदर भागती है तो स्कूलों का सुधार कैसे करेगी। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से फिर हमें अनब्लॉक किया। अनब्लॉक करने के बाद में हमें निमंत्रण दिया कि हम भाली के उस गांव के स्कूल के अंदर जाएं और कितना शानदार स्कूल है उसको अपनी आंखों से देखें और हम राजनीतिक दुर्प्रचार ना करें। उनके निमंत्रण के बाद हम उस स्कूल के अंदर गए। उस स्कूल की वीडियो मैं आपको जारी कर रहा हूँ, वो स्कूल की वीडियो मैं आपको जारी कर रहा हूँ, मैंने आप सबको भेज भी दी। ये उस स्कूल की वीडियो है। बीजेपी कहती है हमने, चलो अच्छी बात है स्कूल, आज प्राइमरी के स्कूल का बच्चों का याद है कि वो आज भी जमीन पे बैठते थे, खट्टर साहब आज से कई साल पहले भी जमीन पे बैठते थे, तो बदला क्या है वो चीज देख लो। खट्टर साहब स्कूल देखा, बीजेपी कहती है कि हमारे स्कूल देखने आना, आम आदमी पार्टी को चुनौती है, आम आदमी पार्टी ने चुनौती स्वीकार करके और पाली के स्कूल देखने आए। स्कूल देखने आए खट्टर साहब ने कहा था ये बीजेपी चुनौती करके अच्छे स्कूल बना रहे हैं। अच्छा, बच्चों कैसी पढ़ाई होती है सच्ची? कट्टर साहब कहते हैं स्कूल हमने इतने बढ़िया बना दिए और बच्चों को बैठने तक के बेंच भी दिए यहाँ पे और किस हालत में बच्चे भर रखे हैं ये खुद देख सकते हैं। बीजेपी सरकार जो आज हरियाणा चल रही है खुद देख सकते हैं। स्कूल देखने आए थे बीजेपी ने बोला था कि हमें बोल देते हैं है,
हमारी डिमांड रख के नहीं गई आगे। खाली बिल्डिंग थी, हमने तो अभी जब चुनौती स्वीकार की है वो ये चुनौती देकर स्कूल नहीं है खाली एक चार पाए। जो बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा है कितना शानदार स्कूल है, आप आके देखिए बच्चे किस हालत में है, सफ़ेदी नहीं हुई है, बच्चे ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं और ज़मीन पे टाट भी नहीं है, दीवारों का प्लास्टर झड़ रहा है। ऐसी हालात के अंदर अगर हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था चलेगी तो किस प्रकार से, मतलब अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके हमें कहते हैं कि कितना शानदार स्कूल है, आप आके देखिए। अपने ट्विटर हैंडल से शानदार स्कूल दिखाते हैं और हम उस शानदार स्कूल की वीडियो आपको दिखा रहे हैं कितना शानदार स्कूल, ये बच्चों के साथ क्या शानदार व्यवहार इनका है। ऐसी हालात है कि जैसे बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर हरियाणा के बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, ना फर्नीचर है, ना लेबोरेटरी है, ना ही कोई डेस्क बच्चों के लिए मिल रहा है, बच्चे ज़मीन के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं, आप अगर इस पे संज्ञान करेंगे। और बिल्कुल ऐसी हालात के अंदर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, तो हम इनसे कहना चाहते हैं कि अगर खट्टर साहब अपने स्कूलों की व्यवस्था सुधार लें, नहीं तो 2024 में हम आ रहे हैं, हम हरियाणा के स्कूल ठीक करेंगे, हम हरियाणा का हॉस्पिटल ठीक करेंगे, हम हरियाणा के अंदर बिजली पानी देंगे, हम हरियाणा के लोगों को रोज़गार देंगे, हम हरियाणा के अंदर कानून का राज लेकर आएंगे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अपने ट्विटर हैंडल से किस प्रकार के झूठ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, ये शानदार स्कूल है, देखिए उसी शानदार स्कूल के अंदर मैंने अपने जोन के अध्यक्ष अश्विनी देसवाल जी को भेजा यहाँ पे और वो खुद जाके इस वीडियो को बना के लाए, उनके निमंत्रण पर हम गए और निमंत्रण पे कम से कम उस दिन झाड़ू ही लगवा लेते। स्कूल के अंदर इतनी गंदगी थी चारों तरफ, इसकी वीडियो मैंने आपको जारी की और पर्सनली तौर पे भेजी भी है। धन्यवाद अनुराग का पोता जी। पढ़ाई भी देखी गई और बिल्डिंग भी देखी, वहाँ के अध्यापकों से भी बात करी, तो बड़े बड़े विद्वान बने होंगे। जैसे आज सुनीता दुग्गल जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो आप गोसे जला लो और गैस की ज़रूरत कहाँ, गैस महंगी होगी तो गोसे से करो, भारत भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। यही परिभाषा आज बीजेपी आप के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि भाई फरस पे बैठ के पढ़ो, बच्चों की ज़रूरत नहीं है आधुनिक स्कूलों की, प्राचीन युग के अंदर जाओ। हरियाणा को और प्राचीन युग के अंदर अगर कटर साहब ले जाना चाहते हैं तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। बीजेपी की तरफ से जवाब आया था कि ये जो स्कूल है इसमें एक नई बिल्डिंग भी तो कमरे बनाए गए हैं, उसे दिखाने के बजाय पुराने दिखाए गए, एक साथ पुराने। देखिए इस स्कूल, आप लोगों ने वहां क्या देखा, इस स्कूल के लिए हमें निमंत्रण मिला, स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल की दुर्दशा है, स्कूल के अंदर हम गए, बाकी पूरे हरियाणा के बाकी स्कूलों के अंदर भी हमारे लोग जाएंगे, उनके हालात को उजागर करेंगे ताकि यहाँ के स्कूल सुधर सकें, सरकार जो गूंगी और बैरी बन के बैठी हुई है वो कुछ पे कुछ एक्शन ले सके। हमने इस बिल्डिंग का, इस पूरे स्कूल का निरीक्षण किया और इस पूरे स्कूल की हालात जर्जर हालात के अंदर है, स्कूल का सारा प्लास्टर उतरा हुआ है, सफ़ेदी है नहीं, बच्चे फर्श पे बैठे हुए, फर्नीचर है नहीं, जो वीडियो मैंने आपको जारी किया और मैंने पर्सनली आपको सबको वीडियो भिजवा भी दिया। ये भाली गांव के अंदर विद्यालय है और जहाँ पे अरविंद के अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बचपन के अंदर पढ़े थे और उन्होंने अखबार के अंदर दिया था। कल अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में जो बिजली 300 यूनिट फ्री देनी है उसको लेकर अधिकारियों को बुलाया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि न तो मुख्यमंत्री को बुलाया गया, ना बिजली मंत्री को बुलाया गया और न ही विभाग से जुड़े लोगों को बुलाया। ये सूचना गलत है, पंजाब के मुख्यमंत्री उस पर बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं,
गंभीरता से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जल्द ही 300 यूनिट बिजली की सारे सबको मुफ्त दी जाएगी। गुप्ता जी, हम उचाड़ा रैली में थे और आपने एक वर्ड बोला था, मैं रैली में उधर ही प्रेजेंट था, कि अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ आते तो हम उनके सपने पूरे करेंगे। उसका मकसद मेन सपना है कि अच्छा हरियाणा हो, शिक्षित हरियाणा हो, विकसित हरियाणा हो। सपने किसी नहीं, ओरिजिनल बात किसी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना नहीं है, सपना हरियाणा को बढ़िया करने का है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अजय यादव ने कल अपने बयान में कहा है कि पहले सुशील गुप्ता को चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव जीतना चाहिए और इसके बाद ये बयानबाजी करनी चाहिए। देखिए, हरियाणा सुधारने की बात है, चुनाव लड़के तो बैठे हुए हैं, 75 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। आज बेरोजगारी हरियाणा में सबसे नंबर 1 पे है, भ्रष्टाचार नंबर 1 पे है, गुंडा राज चल रहा है, सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं, 5-5 साल के बच्चों को मार दिया जाता है, ये स्थिति यहाँ पे है। गुप्ता जी, वो देश की राजनीति है, वो धर्म और अन्य तरफ चल रही है, जो आप पार्टी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनको लेकर क्या लोगों को आप समझा पाएंगे कि हमें शिक्षा, हमें आप हरियाणा के लोग समझ चुके हैं। हरियाणा के लोगों ने खुद आंदोलन चलाया कि जाति और धर्म की राजनीति को भगाएंगे। हरियाणा के लोग समझ चुके हैं कि अब काम की राजनीति का दिन है, ईमानदार राजनीति का दिन है। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये स्कूल बदलने पड़ेंगे, शिक्षा दिल्ली वाला मॉडल लाना पड़ेगा। वैसे तो खट्टर साहब नकल हमारी मारते हैं, परंतु नकल पूरी तरह मारें और बेहतरीन काम करें। गुप्ता जी, अगर 2024 में आपकी सरकार आती है, पहले आप सशक्त को महत्व दोगे, रोजगार को महत्व दोगे, शिक्षा को महत्व दोगे, तीनों में से किसको महत्व दोगे? देश की जरूरत एक चीज से नहीं चलती, हर चीज का महत्व है। शिक्षा का महत्व है, चिकित्सा का महत्व है, रोजगार का महत्व है, कानून व्यवस्था का महत्व है, किसान के सम्मान का महत्व है, 75 साल के बाद भी कर्ज के बोझ के नीचे दबके आत्महत्या कर रहा है, महिला सुरक्षा का महत्व है, 6 बजे के बाद घर से निकलते हुए डरती है, ओवरऑल